वीडियो और एक कंपैरिजन वीडियो होने वाली है वीवो का नया लॉन्च हुआ स्मार्टफोन वीवो यू 10 और ओप्पो के K1 के बीच में, क्योंकि ओप्पो के K1 की जो प्राइस है ना दोस्तों वो भी 10,000 के नीचे आ चुकी है, यानी कि 9,990 ऑलमोस्ट 10,000 रुपये। तो दोस्तों अगर आप लोग इन दोनों ही स्मार्टफोन में से कोई भी स्मार्टफोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। कंपैरिजन स्टार्ट करता हूँ इन दोनों फोनों की बिल्ड क्वालिटी के साथ में। ये दोनों ही फोन दिखने में काफी ज्यादा अच्छा ही दिखते हैं, लेकिन बैक साइड से दोनों ही स्मार्टफोन पॉलीकार्बोनेट डिजाइन के साथ में आते हैं। और अगर मैं इन दोनों फोनों के डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो दोनों के अंदर आप लोगों को फ्रंट के साइड में 6.3 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, वो भी एक ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ में। लेकिन जो डिफरेंस आ जाता है ना दोस्तों वो आ जाता है इनके डिस्प्ले क्वालिटी के अंदर, क्योंकि ओप्पो K1 के अंदर आप लोग को एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात है, 10,000 रुपीज़ के प्राइस रेंज के अंदर आप लोगों को एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, वो भी एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला। और वहीं पर वीवो U10 के अंदर आप लोग को 10 HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, वो भी ये एक IPS LCD पैनल है। इसके लिए अगर आप लोगों को कोई एक अच्छा डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन चाहिए तो ओप्पो K1 से बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता इस प्राइस रेंज के अंदर। और अगर मैं इन दोनों फोनों के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो ये वो पार्ट है जहाँ पर आप इन दोनों ही में से कोई भी स्मार्टफोन ले सकते हो, क्योंकि ओप्पो के K1 के अंदर आप लोग स्नैपड्रैगन 660 मिलता है और वहीं पर वीवो U10 के अंदर आप लोग को स्नैपड्रैगन 665 भी देखने को मिल जाएगा। भले ही 665 एक छोटा सा अपग्रेडेड वर्जन है 660 का, लेकिन इन दोनों ही फोनों के परफॉर्मेंस के बीच में कोई भी ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलने वाला। लेकिन जो इन दोनों फोनों के बीच में डिफरेंस है ना वो है इनके सॉफ्टवेयर के अंदर। ये दोनों ही फोन अपने कस्टम UI के साथ में आता है, वीवो आता है अपने फंटा चॉइस के साथ में और ओप्पो आता है अपने कलर OS के साथ में। ये तो आप लोगों के पर्सनल चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इन दोनों फोनों के जो कस्टम UI इन दोनों में से कौन सा ज्यादा पसंद करते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोग को फंटा चॉइस पसंद है या फिर कलर OS। वैसे ये दोनों ही UI काफी ज्यादा फीचर रिच है। अब हम इन दोनों फोनों के कैमरे के बारे में बात करते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी स्मार्टफोन चाहिए जो कि जिसका कैमरा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो तो आप लोग इन दोनों फोनों के साथ में किसी के भी साथ में जा सकते हो, क्योंकि दोनों फोनों का जो कैमरा है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। आप लोगों को कोई भी ज़्यादा शिकायत नहीं होगी, आप इन दोनों में से कोई भी स्मार्टफोन ले सकते हो कैमरे के लिए। लेकिन वीवो U10 के अंदर एक एडवांटेज आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को बैक साइड में ट्रिपल रियर कैमरास देखने को मिल जाते हैं और उसके अंदर एक कैमरा है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जो कि ओप्पो K1 के अंदर मिसिंग है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों को ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसके अंदर आप लोग को अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिले तो आप लोगों को ओप्पो K1 के साथ में जाना चाहिए। और 10,000 के अंदर एक लौता स्मार्टफोन बन जाता है जिसके अंदर आप लोग को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है ओप्पो K1 के लिए। लेकिन बैटरी के मामले में वीवो U10 है ना दोस्तों जो बहुत ही ज़्यादा आगे निकल कर चला जाता है ओप्पो K1 से, क्योंकि इसके अंदर आप लोग को मिल जाएगी 5000 mAh की बड़ी बैटरी। भले ही इसके फोन के अंदर आप लोग को माइक्रो USB पोर्ट ही देखने को मिल जाएगा, लेकिन बॉक्स के अंदर इसके अंदर आप लोग को 80W का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, तो ये काफ़ी इंप्रेसिव बात है। और वहीं पर ओप्पो K1 के अंदर आप लोग को 3600 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आप लोग को कोई भी फास्ट चार्जर देखने को नहीं मिलता और इसके अंदर आप लोग को कोई टाइप सी का पोर्ट भी देखने को नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों आप लोग को इन दोनों फोनों में से कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा बेहतर लगता है ये बात मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो चैनल को भी